फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो अपने स्क्रीन पर गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख रहे हैं उसे आप मात्र एक ही झटके में हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल ही छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को हमें एक ही झटके में कैसे डिलीट करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा बैक आ करके आपको अपने इस यूजर इंटरफेस पर आ जाना है। उसके बाद सिंपल सा आपको ऊपर कॉर्नर में आपका आइकन शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा एंड पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही एक नया विंडो आपको ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात है कि आप सबसे पहले उस ईमेल को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके गूगल अकाउंट के साथ लिंक है, यानी कि गूगल पे में जो ईमेल है वही ईमेल आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। तो अगर आपका एक ही ईमेल आपके फोन में एक्टिव है तो बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट रहता है। अगर एक से अधिक ईमेल आपके फोन में एक्टिव है तो यहाँ से आपको अपना ईमेल चेंज करना है। ईमेल चेंज करने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। जो भी ईमेल आपके फोन में एक्टिव है यहाँ पर शो होगा, सबसे पहले उस ईमेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा यही ईमेल है इसलिए हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हमने एग्जांपल के लिए आपको बताया था। अब आपको इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल पे में जो भी इस ईमेल के साथ आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो सभी यहाँ पर शो हो रहा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन को एक ही झटके में डिलीट करने के लिए सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज का ऑप्शन शो हो रहा है। ऑलवेज के ऑप्शन के साथ आप एक ही झटके में सभी ट्रांजेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। आप अगर पिछले एक घंटे का ट्रांजेक्शन डिलीट करना चाहते हैं तो लास्ट आवर सेलेक्ट करना है। पिछले एक दिन का ट्रांजेक्शन डिलीट करना चाहते हैं तो लास्ट डे सेलेक्ट करना है। और अगर आप किसी कस्टम रेंज डेट का ट्रांजेक्शन डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टम रेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट से किस डेट का ट्रांजेक्शन डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप एक एक ट्रांजेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बैक आना है और आप जिस भी ट्रांजेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं उस ट्रांजेक्शन के सामने के क्रॉस के आइकन पर क्लिक करके आप एक खास ट्रांजेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ही झटके में सब भी ट्रांजेक्शन डिलीट करके आपको दिखा रहे हैं, तो दोबारा से हम डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम ऑलवेज ऑप्शन के साथ नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे में आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद अब हमें दोबारा से ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। यहाँ पर अब हमें कोई भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको गूगल पे में भी चलकर दिखाते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट हुआ है कि नहीं। तो हम बैक आते हैं, बैक आने के साथ ही हम 100 ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के साथ नेक्स्ट कर देते हैं। ऐसा करने के साथ ही आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, कोई भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमारा यहां पर शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कितना भी पुराना गूगल पे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आसानी से एक ही झटके में डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।